अंकुर समाज सेवी संस्था द्वारा कलेक्टर भवन का घेराव। अंकुर समाज सेवी संस्था द्वारा दुर्गेश वर्मा SDM के ऊपर अनेकों भ्रष्टाचार व अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। बेरला SDM द्वारा घरों में टैग लगाने एवं शासकीय आवास आवंटन के मामले गलत तरीके से आवंटन पर सार्थक कार्रवाई नहीं करने व जिला प्रशासन ने जाँच कर SDM को क्लीन चिट देने पर अंकुर समाज सेवी संस्था बेरला के अध्यक्ष राहुल टिकरिया द्वारा करीब 500 कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। जिला प्रशासन द्वारा हेलीपैड पर ही रोक कर ज्ञापन लेकर वापस कर दिया गया। अंकुर समाज सेवी संस्था ने ज्ञापन सौंपा कर कहा कि शीघ्र कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अंकुर समाज सेवी संस्था द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें बेरला SDM के खिलाफ मैंने कुछ पूर्व दिन पहले आवेदन पत्र दिए थे, उसकी जांच की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या आगे किया जाएगा प्रशासन के द्वारा? इनका कहना यह है कि जो जांच की गई है उसकी प्रतिलिपि हमको दिया जाए और जांच में जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोगों को कलेक्टर से पहले ही रोक दिया गया है? हमने कलेक्टर के पहले रोका नहीं है, हम लोग इनको बोले थे कलेक्टर तक आने के लिए, धारा 144 लागू होने के कारण से कानून व्यवस्था की दृष्टि से उनको रोका गया। क्या इनको अभी गिरफ्तार किया जाएगी, स्थायी जेल बना के? नहीं, किसी प्रकार गिरफ्तार नहीं की जाएगी और कानून व्यवस्था भी हम लोग बना के रखे हैं, किसी प्रकार कंट्रोल पे है। कंट्रोल पे, ठीक, थैंक यू। सपना चौबे है। किस तरह का मामला है और किस लिए आए? ये जो बेरला SDM द्वारा जो अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा था उसी के विरोध में काफी लंबे समय से प्रयास करते आ रहे हैं और तमाम जांच वगैरह होने के बावजूद उचित कार्यवाही नहीं की गई, उसी के विरोध में आज हम 1 से 1.5 हजार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और माननीय कलेक्टर महोदय मैम से वही अनुरोध करेंगे कि कार्रवाई हो और न्यायपूर्वक जो न्याय संगत बात हो वो होकर। पूरी प्रक्रिया में जो जांच की कार्रवाई की जा रही है उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? जी नहीं, संतुष्ट नहीं है। असंतुष्टि कारण क्या क्या मानते हैं, किस तरह का चूक हुई है जांच में? क्योंकि यहाँ पर जैसे कि पेपर वेपर में भी आया था कि क्लीन चिट दे दिया गया है SDM को करके, तो हम लोग का कहना वही था जब इतने लोग कह रहे हैं कि हमारे शांत में गलत हुआ है करके, तो उस चीज को प्राथमिकता में रख करके जांच की प्रक्रिया को और कंप्लीट करना था। थैंक यू। क्या गया है उसके लिए हम मजबूर हुए हैं क्योंकि बेरला के जो SDM है दुर्गेश वर्मा जी, उनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उनके द्वारा मकान नंबर के रूप में 30-30 रुपए उगाही हेतु एक NGO को आदेश दिया जाता है जो एक प्रकार से देखा जाए तो किसी प्रकार से शासन का आदेश नहीं है। तो आखिर उनके पास शासन अपने पद का दुरुपयोग करने का अधिकार कहाँ से आया? वैसे ही एक मामला बेरला में जो शासकीय आवास का आवंटन है उसमें भी लगातार अनियमितता है, यहाँ तक कि संविदा कर्मचारियों को भी वहाँ पे मकान दिया गया है और तो और जो छोटे कर्मचारी उन्हें अधिकारी लेवल का मकान दिया गया है। पुलिस प्रशासन के ही एक भी कर्मचारियों को वहाँ पे आवास आवंटन नहीं गया। तो आखिर इतने लगातार वो उनके द्वारा पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, 20 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है, 2 बार 3 बार जनचौपाल में भीड़ आ चुकी है, उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि हमें उनके ऊपर जांच कमेटी बैठाई गई थी उस जांच में शामिल भी नहीं किया कि जो हमारा अधिकार है, ना ही हमें जांच की कोई रिपोर्ट सौंपी गई है। उसी के विरोध में आज जिला प्रशासन का घेराव किया गया है और उनसे मांग किया गया कि उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए और हमें जांच प्रतिवेदन सौंपे ताकि हम ये नहीं करते तो हम दूसरे विकल्प पर भी विचार करें। आप घेराव कहाँ किया? आपको पहले ही रोक दिया गया है? पहले ही रोक दिया गया है और लगातार ऐसा दासा था कि नहीं पता क्या कि कलेक्ट्रेट के बस के 100 मीटर रेडियंस में धारा 144 लगा दिया गया है। हमें ये खेल परिसर मैदान में रोका गया है जहाँ पे प्रशासन आगे ज्ञापन को लेके गए। कितने लोग आए हो आप लोग? लगभग 1000 के लोग आसपास यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होती तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे और हो सके तो और उग्र आंदोलन करेंगे।